अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि ये जो क्वेश्चन है वो 0/0 का फॉर्म है कि नहीं। तो 0/0 का फॉर्म चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये x टेंड्स टू 1/2 है, यहाँ पे इसको पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो 4 × 1/2 का होल स्क्वायर -1, इट मीन्स 4 × 1/4 हो जाएगा -1, 4 कैंसिल आउट, इसका मतलब 1 - 1 0, ऊपर भी 0 है, यहाँ भी 1/2 पुट करेंगे, 2 कैंसिल आउट, 1 - 1 = 0, ये 0/0 का फॉर्म है। अगर 0/0 का फॉर्म है तो सबसे पहले दो मेथड्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोचते हैं क्या, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 4x² - 1/2x - 1, तो क्या है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x² - 1² ऊपर वाले भी लिख सकते हैं ऐसे ना, उसी तरह से 2x - 1 - 1, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब देखो क्या है, ये a² - b² के फॉर्मूला भी दिख रहा है। ठीक है, अगर ये a² - b² के फॉर्मूला पे दिख रहा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x + 1 and 2x - 1 upon a² - b² a + b और a - b, और क्या होगा, 2x - 1 नीचे हो जाएगा। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। हाँ, जब ये कैंसिल आउट हुआ तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 2x + 1 है ना। अब यहाँ पे क्या करें, फाइनली जब कैंसिल आउट होगा उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 × 1/2 + 1 क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस क्या होगा, 2। ये किस वक्त, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है अपने पास, एल हॉस्पिटल रूल। अभी हम जस्ट चेक क्या किया है कि अभी 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, इसलिए क्या सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आए, तो हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1/2, तो डिफरेंशिएट करें ऊपर वाले को, 4x² - 1 upon dx upon d × 2x - 1/dx, में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी सिर्फ दिखाया है डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन किया नहीं है, अब करते हैं डिफरेंशिएशन। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये उसका जो पावर है वो कोफिशिएंट में आके मल्टीप्लाई होता है। कैसे और क्यों, देखो x^n y = x^n होता है, उसको डिफरेंशिएट करते हो dy/dx क्या होता है, ये जो पावर में होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट में गुना होता है, उसी पावर में से एक घट जाता है, ये फॉर्मूला है। हाँ, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इसी वजह से 4 और 2 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होके 8x हो जाता है, और -1 जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई, अपॉन 2x - 1 है, इसका मतलब क्या है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 और 1 2 × 4 = 8, लिमिट क्या है यहाँ पे, x टेंड्स टू 1/2, अब क्या हो, 4x हो जाएगा, है ना, 4x हो जाएगा, अब 4x में 4 × x का वैल्यू क्या पुट करें, 1/2, 1/2 कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, 2 आंसर आ गया, है ना। दोनों मेथड से फाइनली आंसर क्या आया तुम्हारा, 2 ही आया, एग्री।